स्वागत है आप सभी का मेरा इस YouTube चैनल में। मैं एस हुसैन आपको आज कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। इस चैनल पे कंप्यूटर कोर्स फ्री में कराया जा रहा है, बिल्कुल हर टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड किया जा रहा है। अभी फिलहाल MS पेंट और नोट पैड के बारे में जानकारी दे दी गई है, साथ ही साथ उसके बारे में पूरा वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। आज मैं कीबोर्ड के बारे में आपको बताऊँगा और साथ ही साथ कीबोर्ड में क्या होता है। देखिए कीबोर्ड में हर बटन का हर एप्लीकेशन में अलग अलग यूज है। फिलहाल मैं आपको मेन वर्क मतलब कोई भी बटन है कीबोर्ड में, जितनी बटन है उसका वर्क क्या है, मेनली वर्क क्या है, कहाँ सबसे ज़्यादा यूज पड़ता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं एक F1 से F12 तक देखिएगा कीबोर्ड में बटन रहता है, उनको फंक्शन की बोला जाता है। फंक्शन की में क्या होता है कि F2 से F3 से F1 से विंडोज़ में कार्य करिएगा तो कुछ और होगा और अदर एप्लीकेशन में करिएगा तो कुछ और यूज होगा। तो खैर हम आगे जब MS ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। फिलहाल देखिए कि मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, MS पेंट, नोट पैड के बारे में बता दिया हूँ, कीबोर्ड के बारे में बताऊँगा और साथ ही साथ हर एप्लीकेशन का शॉर्टकट कीबोर्ड के माध्यम से कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, बिना माउस का हर एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, हम वो भी अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए ये मेरा कीबोर्ड है। अब देखिए क्या होता है कि जो लैपटॉप में कीबोर्ड दी रहती हैं उसमें कुछ ये जो फंक्शन की है उसमें कुछ और कार्य करता है। उसमें यहाँ पे सिंबल बनाया गया होता है कि इससे ब्राइटनेस कम होगा, इससे बढ़ेगा, जो सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। लैपटॉप में मेनली वर्क जब करिएगा तो वो सब मतलब F2 प्रेस करिएगा तो हो सकता है आपका जो इस कीबोर्ड से हो उसमें ना हो, लेकिन बेसिकली मेन काम यही है। आप यही कीबोर्ड यूज करेंगे, अगर इस कीबोर्ड में बटन होती हैं 104 से 106 लगभग। फिलहाल बेसिकली जो मेन वर्क है और अदर तो और भी ज़्यादा दी रहती हैं बटन, लेकिन मेनली वर्क है 104 से लेके 106 बटन होती हैं। देखिए यहाँ पे एक स्किप बटन है और ये फंक्शन की है F1 से F12 तक। ये देखिए ये अल्फाबेटिकल की है ये सारा चीज़, और यहाँ पे 1 से लेके 0 तक दिया होगा, यहाँ पे आपको सिंबल 1 2 3 4 5, और इसके साथ साथ इस पर सिंबल भी कुछ बनाया गया होगा। ये बैक स्पेस है, इससे क्या होता है अब बताएंगे हम, बैक स्पेस का नाम रखे रहिएगा। और ये इंटर है और ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात सुन लीजिए, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये जितनी सारी सिंबल दिख रही है इस सारे सिंबल के बारे में मैं आपको बता दूंगा कौन सिंबल का क्या नाम है, क्या काम करता है। यहाँ पे विंडो बटन दिया, ऑल्ट दिया है, स्पेस दिया है, ये स्विफ्ट है, ये कैप्स लॉक, टैब है, यहाँ पे जितनी सारी यहाँ पे नंबर की है, नंबर लॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर लॉक कब होता है, नंबर लॉक करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पे सब देख सकते हैं। और ये सारे जितनी बटन हैं ये सारे इस वीडियो में आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन जब जब यूज आएगा इसका पेज डाउन पेज अब क्या है जब आगे सीखेंगे तो हम उसी में आपको बता देंगे। पॉज, ब्रेक, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, एंड होम, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने, सबसे पहले बात करते हैं स्किप बटन की। जो कीबोर्ड में सबसे पहला बटन है ESC लिखा है, देखिए इसका क्या कार्य है। मान लीजिए कि हम कोई नोटिफिकेशन बार जैसे ये वाला ऑप्शन ला दिए हैं, देखिएगा ध्यान से ये वाला हमने ऑप्शन ला दिया है तो इसका काम क्या होता है। स्किप का मतलब होता है कैंसिल। देखिए अभी हम आपको जो जो मतलब यूजफुल है बटन उसके बारे में मैं अभी इसी में लिखवा दूंगा, स्क्रीन पे शो करेगा, आप वहां से आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट काट के रख लीजिएगा, अभी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ। देखिए इसका काम है स्किप। स्किप का क्या काम है कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ गया हो तो इस नोटिफिकेशन में ओके और कैंसिल का ऑप्शन दिया रहेगा। कोई भी नोटिफिकेशन होगा ओके और कैंसिल का ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप चाहते हैं कि मुझे ओके नहीं करना है, कैंसिल करना है। ओके करने के लिए कीबोर्ड में इंटर बटन है जो उसको प्रेस करते हैं तो ये ओके हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि नहीं मुझे कैंसिल करना है तो आप कीबोर्ड में स्किप बटन दबाइएगा, कीबोर्ड का पहला ये हटा देगा। मान लीजिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन आए तो आप वहाँ से आप आसानी से स्किप बटन करके हटा सकते हैं या नोटिफिकेशन नहीं पूछ रहा है।
चलिए हम देखते हैं। इतना समझ लीजिए कि इसका काम है कि अगर ऐसा नोटिफिकेशन आपके पास आए, कोई भी ओके कैंसिल यस नो का ऑप्शन हो, तो आप नो के लिए और कैंसिल के लिए इसकी बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। F1 देखिए, F1 से F12 तक इसको बोलते हैं फंक्शन की। F1 का क्या काम है? F1 का काम है, F1 से होता है हेल्प। हेल्प का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन ने ओपन किया है, मान लीजिए हम विन वर्ड ओपन कर लेते हैं, विन वर्ड ओपन कर लिए, फिर ओके प्रेस कर लिए। देखिए यहाँ से आप चाहते हैं F1 प्रेस करेंगे तो F1 में यहाँ पे हेल्प खुल जाएगा। हेल्प के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं, अगर लिखेंगे MS Word यहाँ पे, तो MS Word सॉरी यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप जान सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है। यहाँ से आप जो भी यहाँ से भी आप जान सकते हैं और नोट्स पढ़ भी सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं। हेल्प में जब ओपन मतलब F1 प्रेस करिएगा तो हेल्प ओपन होगा, यहाँ से आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कुछ सर्च भी नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया होगा कुछ सेटिंग के बारे में, कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या इसमें टूल्स है, सब इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो F1 से आप सिंपल समझ लीजिए हेल्प ओपन होता है, हेल्प खुलता है। हेल्प हम कुछ लेना चाहें, अगर मुझे प्रॉब्लम हो, कोई कार्य नहीं हो रहा, इंसर्ट में हम कहीं फंस गए हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी दिया रहता है, वही कार्य होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन F1 से हेल्प होता है, ठीक। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप F1 प्रेस करेंगे तो F1 यहाँ भी आपको ये हेल्प खुल जाएगा। तो ये नेट करना पड़ेगा ओपन, इसके लिए विंडोज 10 है, विंडोज 7 रहता तो विंडोज 7 अगर आपके पास है तो उसमें F1 से हेल्प ओपन हो जाता, ठीक है। अब चलते हैं ये F2 क्या काम करता है। अगर मान लीजिए हमने कोई एक न्यू फोल्डर बनाया, अब इसको इंटर कर दिया तो ये न्यू फोल्डर के नाम से सेव हो गया। अब ऐसे ही हम चाहते हैं कि इस फोल्डर को चेंज करना है, नाम न्यू फोल्डर ना हो, यहाँ पे कुछ और नाम लिख दे, तो इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम करते हैं। रीनेम का मतलब होता है नाम चेंज करना, मैन लिख दें, ठीक है, फिर इंटर प्रेस कर दीजिए। और ऐसे ही राइट क्लिक आप करके ये जो रीनेम कर रहे हैं इसका नाम चेंज करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे नाम चेंज करना है मुझे, ये माउस के राइट बटन दबा के रीनेम करने से नहीं, इसका शॉर्टकट, तो आप इस पर एक बार क्लिक करिए या डायरेक्शन की, जो चार डायरेक्शन की दी रहती है, टॉप बटम लेफ्ट राइट, देखिए इसको इधर उधर प्रेस करिएगा तो जैसे कोई भी बटन दबाइएगा तो ये ऊपर नीचे होने लगेगा, और इधर आप राइट में प्रेस करके फिर डाउन कर दीजिए। अब इस पर ला के आप F2 प्रेस करिए, F2 प्रेस करिएगा तो ये रीनेम हो जाएगा। आप यहाँ पे नाम अपना कुछ और लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए अपना नाम लिखना हो तो आप लिख लीजिए, F2 करिए, फिर कुछ और लिखना है तो लिख लीजिए, पहले की तरह मेन कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं F3 की तरफ। F3 क्या होता है? F3 का काम है सर्च करना, यानी मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर को ओपन किया है, ये माई कंप्यूटर आपने ओपन किया है और आप यहाँ से कोई फाइल बनाकर आप भूल गए हैं कि किस नाम से हमने फाइल बनाया था, तो हमको ढूंढना है। ये मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आप साइट से डॉक्यूमेंट में चलिएगा तो ये एक नाम राम नाम से फाइल बनाया, राम, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल आपसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर किया जाता है। अगर कोई फाइल आप बना के नाम भूल गए हैं तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए या कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस करिए, यहाँ पे राम लिखिएगा तो यहाँ पे आपका ये फाइल आने लगेगा और सर्च दबा दीजिएगा, सर्च करिएगा तो यहाँ पे सर्च करने लगेगा, सर्च कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इतना समय हम इसलिए ले रहा है कि हमने राम सर्च कर दिया है तो अपना रैम समझने लगा। ऐसे ही ABC अगर हम सर्च करें, चलिए यहाँ पे हम माई कंप्यूटर पे ऐसे आपसे खोल लेते हैं, आप फिर से दोबारा माई कंप्यूटर आप ओपन करिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सर्च दबाइएगा F3 तो ये सर्च पे जाएगा और यहाँ पे हम ABC सर्च करते हैं, इंटर प्रेस करिए, ABC आ गया। देखिए यहाँ पे आप ABC ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सेव किया था, कोई फाइल आप सेव करके भूल गए हों तो F3 प्रेस करिएगा, यहाँ आप सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं। कोई भी फाइल हो आप यहाँ पर नाम लिखिए, अगर नाम आपको पता होना चाहिए किस नाम से सेव किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर F4 का काम
देखिए अलग अलग इसका यूज है। इसको हम यूज़ करने के लिए सिस्टम को ऑफ करने के लिए करते हैं। कैसे कि इसको दो बटन के साथ प्रेस करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये अल्ट दबाए रखना पड़ेगा कीबोर्ड में, जो अल्ट बटन है अल्ट दबाए रखिए, फिर F4 दबाइए एक बार, और यहाँ से आप इसको शट डाउन कर सकते हैं लैपटॉप को, जो करना हो यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं। तो आपको एक बटन के बारे में पता चला ऑल्ट F4 से क्या होता है। आप चाहें तो सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, बंद करना, यहाँ से ऑल्ट F4 दबाइए और इंटर दबा दीजिए, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करिए और इंटर दबा दीजिए या ओके कर दीजिए, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। शॉर्टकट आप सीख गए हैं सिस्टम को कैसे बंद किया जाता है, कंप्यूटर को कैसे बंद किया जाता है। ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करिए और ओके दबा दीजिए, बंद हो जाएगा या इंटर। ठीक है, अब F5 से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये राइट क्लिक करके हम रिफ्रेश कर रहे हैं, ये रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम चाहते हैं शॉर्टकट करने के लिए, तो आप F5 प्रेस करिए, रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, तो आप अब आगे के बाद जो भी है बटन, जो भी है ये F6 F7, तो इसके बारे में अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग यूज है। अब ऐसे ही मान लीजिए F5 का पावर पॉइंट में स्लाइड शो ओपन करने के लिए होता है, स्लाइड शो अगर मुझे शो करना है तो F5 प्रेस करते हैं तो होता है, इसमें रिफ्रेश हो रहा है। तो आगे एप्लीकेशन में हम सीखते रहेंगे और एक एक बटन के बारे में जानते रहेंगे। हो सकता है F5 से रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है कोई और एप्लीकेशन में कुछ और काम हो, इसलिए हम आगे का जो भी बटन है F6 से लेकर F12 तक आगे एप्लीकेशन में सीखते रहेंगे और जानते रहेंगे एक एक बटन का। इतना फ़िलहाल मुझे जानना ज़रूरी था और ये बेसिक है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिया है, अब देखिए यहाँ पर ये है नंबर की, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेके 0 तक यहाँ पे बटन भी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में अपने जितनी बटन पे दो सिंबल दिया है, कहने का मतलब 1 बटन पे दो सिंबल है, 2 बटन पे दो सिंबल है। और सिंबल का नाम वाला वीडियो हम एक अलग बनाएंगे, सारे सिंबल का क्या नाम है उसके वीडियो हमें एक अलग बना के अपलोड कर दूँगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर बटन पे देखिए जहाँ जहाँ है दो दो सिंबल दिया है। ठीक है, तो इसका क्या यूज है, हम पहले एक कोई एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं, नोट पैड ओपन कर लिया, इंटर प्रेस किए, देखिए ध्यान से ऐसे हम प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -= और ये डिवाइडेड, अब बैक स्पेस बगल में दिया है, बैक स्पेस से क्या होता है एक एक ऑप्शन काटने के लिए, तो एक ये भी अब बात सीख गए हैं, अगर आपको एक एक ऑप्शन काटना है, चलिए 1 2 3 4 5 लिख दिए और बैक स्पेस अगर दबाइएगा तो बैक स्पेस से क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन को एक एक रिमूव करने के लिए वर्ड को। ठीक, अब ऐसे ही देखिए कि इस बटन पे दो दो सिंबल दिया है, तो ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो नीचे वाला सिंबल आ रहा है, आखिर ऊपर वाला मुझे सिंबल लाना कैसे है, ये जो ऊपर वाला है वो उसको कैसे लाएंगे, तो आप स्विफ्ट बटन दिख रहे हैं, स्विफ्ट प्रेस करिए और उसको 2 पे दबाइएगा तो ये ऊपर वाला आएगा। एक बात ध्यान रखिए, स्विफ्ट प्रेस करिएगा और 5 दबाइएगा तो ऊपर वाला परसेंटेज का सिंबल आएगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी ऊपर वाला सिंबल है उसको मुझे अगर लिखना हो तो आप स्विफ्ट के साथ लिखेंगे। ठीक है, और नीचे वाला जो है उसको बिना स्विफ्ट के साथ लिखना है, ऐसे भी नीचे भी है और भी जितनी सारी बटन पे दिख रहा है, अगर मान लीजिए इसका ग्रेटर देन और लेस देन का बटन पे भी डॉट है एक कोमा है, तो ऐसे प्रेस करेंगे तो कोमा और डॉट लिखेगा, और ऐसे ही स्विफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो इसमें ऊपर वाला जो है ग्रेटर देन और लेस देन आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम फिर बैक स्पेस से हटा देते हैं, यहाँ से जितनी सारी सिंबल पे दो दो बटन हैं आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और देखिए अल्फाबेटिकल की यहाँ पे दिया हुआ है आपका A से ले कर Z तक, तो इसके बारे में बताना नहीं है, इसके बारे में आपको इतना ही बताना है, ये तो लिखना तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, देखिए हम कितना फास्ट लिख रहे हैं, आप भी चाहें तो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट लिख सकते हैं, बस कीबोर्ड सरकारी होना चाहिए प्राइवेट में। ठीक है, चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लिखना तो सब कोई सोचता है कि बहुत आसान है, इसमें भी कुछ राज है, अगर हम चाहते हैं कि सारा मुझे जो भी सारा जो लेटर ये लिख रहे हैं सब अपर केस में मतलब कैपिटल लिखे, तो आप कैपिटल लिखने के लिए कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए और यहाँ पे आप सब जो भी लिखिएगा आपका
शो होने लगेगा ये सारा कैपिटल में, ठीक है, सारा कैपिटल में टाइप होने लगेगा। फिर कंट्रोल ए दबाइए और डिलीट करिए। कैप्स लॉक से क्या होता है, सारे बटन को मुझे कैपिटल करना हो, कैपिटल लिखना हो, तो कैप्स लॉक एक बार ऑन कर दिए तो आपका सब कैपिटल ही लिखेगा। अब कैप्स लॉक ऑन करने के बाद इधर साइड में देखिएगा, इधर नंबर लॉक और ये माइनस प्लस और फिर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग भी दिया है, तो इसमें देखिएगा आपका बटन प्रेस हो गया है। एक इसमें तीन बॉल जल रही हैं, देखिए तीन बॉल में मतलब दूसरा जो बॉल है वो किस लिए है, दूसरा जो बल्ब है वो इसलिए है कि ये आपका कैप्स लॉक ऑन है ये शो करता है, और जो वन बल्ब है वो किस लिए है, नंबर लॉक को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, और कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो दूसरे नंबर वाला बल्ब जलेगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, और फिर कैप्स लॉक आप ऑफ कर दीजिएगा, देखिएगा ये भी बुझ जाएगा, ठीक है। चलिए कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके आप तो सीख ही लेंगे, कैप्स ऑन रखिएगा तो आपका कैपिटल लिखेगा और कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो आपका सब स्मॉल लिखेगा। ऐसे ही बात आती है कि हमारा सब स्मॉल लिख रहा है, हम चाहते हैं कि एक जो हर लेटर का पहला अक्षर है वो कैपिटल लिखें, तो आप स्विफ्ट के साथ कोई भी बटन प्रेस करिएगा तो वो कैपिटल लिखेगा, फिर स्विफ्ट छोड़ देना है, अब आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप जानिए कि मुझे लिखना है दिस इज, तो स्विफ्ट के साथ टी दबाइए फिर छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए कि मुझे हर बटन के लिए कैपिटल लिखना है, तो हम क्या बार बार कैप्स लॉक ऑन ऑफ थोड़ी करेंगे, तो आप लिख ऐसे ही लिख रहे हैं दिस। अब मान लें इज में मुझे पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, तो आप स्विफ्ट के साथ आई दबा दीजिए फिर एस छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको जो बटन मतलब स्विफ्ट बटन प्रेस करिएगा तो पहला अक्षर कैपिटल लिखना रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसमें दिया गया है आप टैब का क्या यूज है, कैप्स लॉक स्विफ्ट भी जान रहे हैं आप, स्विफ्ट का क्या क्या यूज है। देखिए ये सारी जितनी बटन है, कैप्स लॉक स्विफ्ट कंट्रोल ऑल्ट स्पेस, ये तीन चार चीज़ों के साथ काम करता है, कहने का मतलब है ये तीन चार बटनों के साथ काम करता है, ठीक है। ये कभी भी सिंगल कुछ और काम करेगा, लेकिन इसका यूज हम दो तीन बटन दबा के कर सकते हैं। दो तीन बटन कहने का मतलब कि आप जो कंट्रोल ए प्रेस कर रहे हैं या लिख के कंट्रोल ए प्रेस कर रहे हैं तो ये दो बटन के साथ यूज हो रहा है ना, ऐसे ही ऑल्ट स्विफ्ट और कैप्स लॉक स्विफ्ट कंट्रोल का आप वैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सब बताते चलेंगे, कीबोर्ड के नाम से भी एक प्लेलिस्ट अलग बनेगा, जो भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है इसमें बना के अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही स्विफ्ट कैप्स लॉक हो गया और कंट्रोल भी जान गए आप, मतलब कंट्रोल को अकेला कार्य नहीं है, इसको हम कंट्रोल जेड करिए या कंट्रोल ए करिए, इसका मतलब हुआ कि इसको आप डबल बटन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे अब बात आती है विंडो की, विंडो आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडो जो दिख रहा है शो हो रहा है, तो कीबोर्ड में विंडो बटन है, आप विंडो प्रेस करिएगा तो विंडो होगा, ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में है विंडो बटन, यही विंडो ओपन होगा, यहाँ से आप खोलें या आप कीबोर्ड से प्रेस कर दें, ठीक है। अब देखिए टैब का स्पेस का क्या यूज है, हम मान लीजिए लिखें एन ए एम ई नेम, तो स्पेस दबाएंगे तो एक गैपिंग मिलेगा, ठीक, और ऐसे लिखें राम, ठीक है, और फिर लिखें स्पेस देके कुमार, तो ऐसे ही मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा गैपिंग ज़्यादा मिले, कहने का मतलब कुछ इस टाइप का, स्पेस से तो आप जान गए एक गैपिंग, ऐसे ही मान लीजिए एन ए एम ई, तब स्पेस से हमको ज़्यादा गैपिंग चाहिए, तो स्पेस तो थोड़ी दाबेंगे, ऐसे स्पेस कितना देर तक दाबेंगे, तो अब देखिए क्या होता है, बैक स्पेस से हम बराबर करेंगे, फिर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, दो बार टैब प्रेस करिए, यहाँ पे इतना दूरी मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे दे दीजिए डॉट और यहाँ पे डॉट फिर टैब, फिर यहाँ पे आप अपने नाम लिख सकते हैं। मैं बायोडाटा भी बनाना सिखाऊंगा आपको, अब यहाँ पे विलेज लिख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे ही करके एकदम बराबर एडजस्ट करके टैब की मदद से कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है स्पेस से एक दो इधर उधर भी हो जाए, तो आप टैब का यूज करिए ज़्यादा गैपिंग के लिए, ठीक है। तो आप जान गए टैब का यूज, नेम देने के बाद टैब दबाइएगा तो ज़्यादा गैपिंग मिलेगा, और टैब का और भी यूज है, हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, फिलहाल ये बेसिक है, ठीक है, बेसिक में इतना जानना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे अल्ट का क्या काम है, अल्ट हम बता दिए हैं कि अल्ट भी दो बटन के साथ काम करता है, तो अल्ट F4 आप दबा के क्लोज कर सकते हैं विंडो को, या देखिए अल्ट F4 से विंडो भी क्लोज होता है और यहाँ से अल्ट F4 से सिस्टम भी शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी करना है करिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से अब स्पेस का भी बात हो गया, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ अल्ट बटन दिया है, दोनों तरफ होम बटन दिया है विंडोज और कंट्रोल भी स्विफ्ट भी दिया है। क्यों दिया है, ऐसे ही मान लीजिए कि आप दोनों हाथ से टाइप कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है, तो कंट्रोल पी प्रेस करना है तो आप लेफ्ट साइड से कंट्रोल दबा के जाएंगे पी दबाने, तो आपका उतना तो लंबा हाथ नहीं हो सकता है, बहुत लोगों का हाथ लंबा हो, उंगली बड़ी बड़ी हो तो वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन हम लोगों का अगर इतना बड़ा नहीं है तो आप इधर से कंट्रोल लेफ्ट साइड से कंट्रोल पी थोड़ी दबाइएगा, यहीं से आप टाइप कर रहे हैं और इधर से साइड से ही आप पी दबा दीजिए, आने का मतलब है कि राइट बटन से राइट बगल से ही यहाँ पर कंट्रोल दबाइए पी दबा दीजिए, आसानी से खुल जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपको मेहनत ना लगेगा, ये लेफ्ट साइड दिया है तो ये दोनों हाथ से टाइप किया जाता है, रूल यही है। और उसके बाद जो हिसाब है आपको राइट साइड वाला कुछ दबाना हो तो आप राइट साइड से स्विफ्ट और पी दबा सकते हैं, ठीक है, इसलिए डबल दिया रहता है। इंटर का क्या यूज है, इंटर का नाम देने के बाद इंटर करिए तो ये नीचे आ जाएगा, इंटर करिएगा पैराग्राफ चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आप कंट्रोल ए प्लस डिलीट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि ये आपका एक राइट साइड देखिए होम बटन और कंट्रोल के बीच एक बटन दिया है जिसको राइट क्लिक भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब हम कीबोर्ड से ये राइट सॉरी माउस से हम ये राइट क्लिक ओपन कर रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है ना, तो हम इसको ऐसे अगर करेंगे तो इसी में राइट ओपन होगा। कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस होम के बीच में जो बटन दिया है राइट साइड उसको आप दबाइए, राइट क्लिक ओपन होगा, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, माउस की कोई ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्शन की जो दिया है उसी के बगल में डायरेक्ट डायरेक्शन की दिया है, चार बटन दिए, साइड ऊपर नीचे आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, ऊपर नीचे आप आसानी से करके आप चाहें तो इसका आपको क्या करते हैं राइट क्लिक ओपन करना है तो राइट क्लिक करिए, और यहाँ से आप डिलीट करना है तो आप यहाँ पर नीचे आइए और डिलीट कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे, अब इसी में देखते हैं ये जो अभी बटन बताए हैं, डिलीट बता दिए हैं और इंड पेज डाउन पेज अप होम इंसर्ट जो है ये सब धीरे धीरे आएगा तो आपको बता देंगे, आगे एप्लीकेशन सीखेंगे तो आगे टॉपिक जाएगा, तो ठीक है डायरेक्शन की के बारे में बता दिए। अब चलते हैं ये नंबर लॉक और नंबरिंग की जो बारे में उसके बारे में जान लें। देखिए नंबरिंग की पे भी डबल डबल सिंबल दिया है, सात पे देखिएगा होम का दिया है और ये जो है आठ पे दिया है टॉप डायरेक्शन की का दिया है, और दो पे दिया है वो डाउन डायरेक्शन की, लेफ्ट राइट का भी डायरेक्शन की दिया है, वन पे इंट दिया है, पेज डाउन डॉट पे डिलीट दिया है, और इंटर भी इधर भी दिया है। तो इंटर इधर इसलिए दिया है वन टू थ्री करने के बाद, ऐसे मान लीजिए नोट पैड ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ वर्ड लिख लेते हैं, ऐसे ही मान लीजिए हम कुछ लिख के कॉपी कर लेते हैं, सबसे अच्छा ध्यान से जानिएगा इस बात को, कॉपी कर लिए कुछ, चलिए यहाँ पे हम ध्यान से देखिएगा, ये मेरा कर्जर है, ये क्या है, ये कर्जर है। ऐसे देखिएगा कि कीबोर्ड में अगर नंबर लॉक ऑफ होगा तो क्या होगा, देखिएगा वहाँ पे तीन जो ऊपर बल्ब दिए हैं, बल्ब में पहला बल्ब अगर जल रहा है तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं, आप वहाँ पे ये समझ सकते हैं कि नंबर लॉक ऑन है। अगर नंबर लॉक ऑन है तो क्या है, तो देखिए ऐसे दबाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटर दबाना है तो नंबर वाले साइड में से इंटर दबा दीजिए, प्लस माइनस जो भी करना है गुणे भागे जो लेना है आप लीजिए। बात ये आती है कि ये जो डायरेक्शन की भी दिया है पेज होम डाउन डॉट डिलीट ये सब कब काम करेगा, तो ऐसे मान लीजिए ये ऐसे दबाना डॉट दिया है, डॉट पे भी डिलीट का ऑप्शन दिया है, तो अगर आपका नंबर लॉक ऑफ रहेगा जैसे ऑफ करेंगे तो कीबोर्ड में तीनों बल्ब बुझ जाएगा, पहला बॉल जो दिया है वो इसके लिए नंबर लॉक ऑन ऑफ के लिए, और दूसरा बॉल है जो कैप्स लॉक दिया है तो जो आप ऑन करेगा तो जलने लगेगा और फिर जब कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो बुझ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अब यहाँ पे 8 दबाएंगे, नंबर की हम ऑफ कर दिए नंबर लॉक, तो अब यहाँ पे
एट दबाइएगा तो ये डायरेक्शन की काम करने लगा, सिक्स दबाइए राइट जाने लगा, फोर दबाइए लेफ्ट जाने लगा, डाउन करने के लिए बटन करने के लिए बटन होने लगा। और ऐसे ही जान लीजिए इंटर भी प्रेस करिएगा तो ये इंटर होगा, क्योंकि इंटर पे सिंगल है, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, जो जो पे सिंगल है वो तो सब काम करेगा, लेकिन ये नंबर की जब आप प्रेस करिएगा तो आपका ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है। नंबर की जब ऑफ हो जाएगा, नंबर लॉक, तो यहाँ पे नंबर जब लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी डबल बटन दिया है वो सब कार्य करने लगा। नंबर लॉक जब ऑन हो जाएगा तो फिर अपना असली रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लिए कीबोर्ड को, अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए। अगर देखिए अगर आपको समझ भी नहीं आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कीबोर्ड पे लाता रहूँगा ऐसे ही। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, लेकिन हम अलग अलग करके अलग अलग भाग में इसके बारे में और बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। फिलहाल ये बेसिक था, इस वीडियो को देखिए आप ध्यान से और प्रैक्टिस करिए साथ साथ, ठीक है।